असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश करने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि इसका विरोध करेंगे क्योंकि मुसलमानों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है। गुवाहाटी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। सीएम हेमंत शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार आगामी सत्र के दौरान असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश कर देगी। ये सत्र बृहस्पतिवार यानी आज से ही शुरू कर दिया जाएगा। उधर विपक्ष इस बिल का विरोध करने के लिए तैयार बैठा है। नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि मौजूदा मुस्लिम विवाह अधिनियम पूरी तरह से काम कर रहा है। सीएम केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें मुसलमानों की भलाई पर काम करना चाहिए। विधानसभा में अध्यक्ष या बिल लाया जाएगा तो हम विरोध जरूर करेंगे। सीएम हेमंत शर्मा ने कहा कि इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों द्वारा पंजीकृत किए जाते थे, लेकिन इस नए विधेयक से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय में होने वाले सभी विवाह सरकार के समक्ष पंजीकृत हों। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी दावा किया कि पहले काजियों द्वारा नाबालिगों की शादी में भी पंजीकरण कर दिया जाता था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक ऐसा कहेगा कि ये कदम पर रोक लगाई जाए। उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अब नाबालिगों की शादी का पंजीकरण बिल्कुल नहीं होगा, हम बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने वाले हैं, इसलिए विवाह का पंजीकरण उप पंजीकृत कार्यालय में किया जाएगा। हेमंत शर्मा ने कहा कि विवाह समारोह के दौरान मुसलमानों द्वारा अपनाई जाने वाली रस्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन काजियों द्वारा पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों के निरस्त करने के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति मिलती थी। मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में भूखंड संरक्षित हैं, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में बाहर नहीं। उन्होंने कहा, इसलिए अब हमने आदिवासी क्षेत्रों के बाहर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गांवों के बाहर सूक्ष्म आदिवासी क्षेत्र बनाने का फैसला किया है। क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने के काम 250 साल पुरानी प्रतिष्ठित संरचनाओं और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए मौजूद असम भूमि राजस्व और विनियम अधिनियम 1886 में एक नया खंड जोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हम धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं के आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। नए प्रावधान के अनुसार केवल 3 पीढ़ियों से क्षेत्र में रहने वाले लोग ही जमीन बेच और खरीद सकेंगे। गरीब उन्मूल योजना यानी अनुदायी के बारे में सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि 126 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक को 10,000 नए लाभार्थियों को मौजूदा 27 लाख लाभार्थियों को समूह में जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में हर महीने 1250 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वेक्षण फॉर्म वितरण किए और ये पाया कि 10 से 12 लाख लोग अभी भी योजना के दायरे से बाहर हैं, इसलिए हमने अभी योजना का विस्तार करने का फैसला कर लिया है। कुल 12,06,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। 42.5 लाख के अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया। देखिए, हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही 2 प्रोविजन है, बेसिकली साइल मैरिज। वी वांट टू अटैक ऑन द साइल मैरिज।